यम्मी। इस चीजी बर्गर को देखिए ना, है ना मजेदार। इनमें वो भी चीजें हैं जिनकी जरूरत हमारी बॉडी को होती है। मीट और चीज से प्रोटीन्स और फैट्स, ब्रेड से कार्बोहाइड्रेट और सैलेड से हमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स मिलते हैं। लेकिन हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बर्गर खाते ही क्या ये सीधे हमारी ब्लड वेसल्स में पहुंच जाता है? नहीं, ये तो वहां फिट ही नहीं हो सकता। तो क्या आप बता सकते हैं कि बर्गर किस तरह हमारे शरीर की जरूरतों को पूरा करता है? जी हाँ, डाइजेशन के जरिए। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को इस तरह ब्रेक किया जाता है कि वो ब्लड में घुल जाए। फूड दो तरह से डाइजेस्ट किया जा सकता है, पहला मैकेनिकली और दूसरा केमिकली। विद इन माउथ फूड दोनों तरह से डाइजेस्ट होता है। टीथ मैकेनिकली फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करते हैं, वहीं सलाइवा के जरिए केमिकल डाइजेशन होता है। सलाइवा में एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है। ये एंजाइम ब्रेड के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता है। इन छोटे मॉलिक्यूल्स को हम मेल्टोज कहते हैं। अभी तो ये डाइजेशन की शुरुआत है। फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके इसे ब्लड में घुलने लायक बनाने से लगाकर इसे ब्लड के जरिए नीडी सेल्स तक पहुंचाने का प्रोसेस भी डाइजेशन में आता है। डाइजेशन की नेक्स्ट स्टेजेस अगले वीडियोस में समराइज की गई हैं। ह्यूमंस में डाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, यानी हम में इंटरनल डाइजेशन होता है, जबकि दूसरे ऑर्गेनिजम्स यानी जीवों में डाइजेशन उनकी बॉडी से बाहर होता है। फंजाई को सेप्रोट्रोफ कहते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स में इनकी सेल से इनके आसपास के फूड पे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, यानी स्रावित होते हैं। फूड के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाने पे ये ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाउस फ्लाइज यानी मक्खियों का भी ठीक यही प्रोसेस है। ये फूड पे सॉल्वेंट सीक्रेट करती हैं और फिर न्यूट्रिएंट्स को चूस लेती हैं। जरा सोचिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उस पे उसने पहले तो सलाइवा सीक्रेट की और फिर उसे चूस लिया। ईछी। फूड डाइजेस्ट होने में अच्छा खासा टाइम लगता है। फूड को स्टमक और इंटेस्टाइन से पास होने में 6 से 8 घंटे तक का समय लगता है और लगभग 40 घंटे में फूड वेस्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। डाइजेशन के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस प्रोसेस का ज्यादातर हिस्सा हम नहीं बल्कि ऑर्गन्स के अंदर रहने वाले 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया करते हैं। ये सर्टेन फूड को ब्रेक करने के साथ साथ विटामिन्स का प्रोडक्शन और इम्यून सिस्टम का सपोर्ट भी करते हैं। तो फूड को टीथ, एंजाइम्स और फ्रेंडली बैक्टीरिया की मदद से छोटे छोटे सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है और फिर इसे ब्लड के जरिए बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है।